नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ विभिन्न स्थानों से रिपोर्टर जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि आज उनके क्षेत्र में क्या कुछ खास होने वाला है, वो कौन सी गतिविधियां होंगी जिस पर दिन भर सभी की नजरें होंगी। और पूरी आपको बता दें, हमारे साथ पूरी चर्चा के लिए तनवीर आलम जुड़ गए हैं, वो हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र यानी कि छत्तीसगढ़ के गौरेला में आज क्या कुछ खास होने वाला है। जी तनवीर, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए कि जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल जो गौरेला की जो राजनीति है वो बहुत ही गरमाई हुई, चाहे वो बीजेपी के राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो। क्योंकि राजनीति में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ के लोगों ने केंद्र राज्य सरकार के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए और जो चुनाव के समय जो घोषणा पत्र में जो बात कही थी कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो बात कही गई थी कि 2500 रुपए हर बेरोजगार युवा को भत्ता दिया जाएगा, वो भत्ता नहीं मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई। और नाराजगी देखने के बाद उन्होंने एक आंदोलन भी किया और एसडीएम कार्यालय का घेराव भी किया। और वहीं अगर मैं दूसरे मुद्दे पे बात करूंगा तो कांग्रेस की अंतरकला की भी मैं बात करूंगा। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में कांग्रेस की अंतरकला भी साफ सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि कल कांग्रेस संगठन की बैठक थी जिला अध्यक्ष को लेकर, तो कई कांग्रेसी नेताओं ने जिला अध्यक्ष और विधायक पे गंभीर आरोप लगाए। विधायक के डॉक्टर के नेता गुलाब राज और कईयों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो विधायक एक किसी एक के प्रति लॉबी न करें, अगर अपने हाई कमान या लेवलों को अगर किसी जिला अध्यक्ष बनाने के लिए लेटर भेजते तो किसी एक का नाम भेजा न जाए, इसके लिए संगठित चर्चा की जाए। मामला सामने आया तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा बीजेपी की जो बात है, जो राज्य सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है बेरोजगारी भत्ता को लिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे कि कैसा आंदोलन था और किस प्रकार का आरोप था। आरोप जो है उनके कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, किंतु लोकतंत्र में जब संगठन में या किसी राजनीतिक दल में स्वतंत्र लोकतंत्र होता है और बात रखने की क्षमता होती है तब वो शासन प्रशासन को चलाने की भी क्षमता रखती है। ये कांग्रेस का अंतर्कल है छत्तीसगढ़ के साथ एक नए जिले में जो देखने को मिला है। और यहाँ पर जो इनका, मैं आपको दो मिनट रोकना चाहूंगा, कांग्रेस की अंतर्कला की बात अपन बाद में करेंगे। अभी अपन पहला सवाल ये कर रहे हैं कि जो कल बीजेपी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए कि घोषणा पत्र में 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, वो भत्ते को लेकर आपने आंदोलन किस प्रकार का था? ये आंदोलन हमारे युवा मोर्चा जिला संगठन के द्वारा किया गया था और कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उन्हीं को हम याद दिलाते हुए हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मरवाही में जबरदस्त घेराव किया गया और प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह बताया गया कि बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है, आप लाखों रोजगार देने की बात करती और विधानसभा में लिखित बयान आपका लगभग 1240 के आसपास आता है। 3.5 साल में 1240 लोगों को नौकरी दी गई है सरकारी और लाखों का विज्ञापन, लाखों की संख्या में रोजगार देने का विज्ञापन आप विज्ञापन के माध्यम से लगा के बताते हैं। ये सरकार सरासर झूठ बोल रही है, ये सरकार रेत माफिया के माध्यम से चल रही, ये सरकार ठेकेदार माफिया के माध्यम से चल रही, ये सरकार में विभिन्न प्रकार के जो भी खनिज माफिया है सभी प्रकार के माफियाओं के ठेकेदारी पद्धति से सरकार चलाई। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, कहीं जिला कलेक्टर जिला एसडीएम कार्यालय में कहीं पर भी एक प्रशासन शासन जनता को आराम देने वाली बात नहीं आती, सिर्फ घोटाला सेटिंग। इनके जो कांग्रेस के लीडर हैं वो पूरे सेटिंग के आधार पे पूरी सरकार को चला रही है, ग्राम पंचायत स्तर पे देखने को मिलता है। नहीं ठीक है, आपने सरकार पे आरोप लगाए हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष में है, आरोप आप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप ये राजनीतिक विषय। मैंने बात की है जो बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो मुख्य बातें थी, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? अभय कुमार वर्मा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नेताओं का ये कहना है कि राज्य सरकार जो है जन घोषणा पत्र में जो बेरोजगारी युवा भत्ता देने की बात कर रही थी वो बेरोजगारी युवा भत्ता लोगों को दे नहीं रही है और इसके लिए एक आंदोलन भी किया, किस प्रकार का था ये कार्यक्रम? जबरदस्त मरवाही में आंदोलन, युवाओं को उत्साह देख लग रहा था कि सरकार अब गई, गंगा मैया का श्राप भूपेश बघेल जी को पीएल पुनिया जी को लगता नजर बिल्कुल आ रहा था। कल की जो डिबेट चल रही थी उसमें स्पष्ट दिख रहा था कि आगामी 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इन्होंने जो युवाओं के साथ छल किया है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में पीएल पुनिया जी के साथ जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे गंगा मैया का कसम खाए थे कि हम 36 वादे किए थे छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ, तो सबसे बड़ा छल
कि हर महीने हम 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था भूपेश बघेल ने, पर भूपेश बघेल तो लगता है कुंभकर्ण की तरह सो रहे, नींद नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कलेक्टर सा ही राज चल रहा है, मंत्रियों का ही सुनवाई नहीं हो रहा है। एकदम पीएल पुनिया जी के ऊपर मसीदा कहूंगा, पीएल पुनिया जी को छत्तीसगढ़ में तो कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि युवाओं के साथ की बड़ी गद्दारी और नाइंसाफी हो रही है, इससे पूरा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विरोध में है और पूरे युवा बेरोजगारों का श्राप भी भूपेश बघेल को निश्चित तौर पर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि पूरा बेरोजगार युवाओं का श्राप लगेगा, ये तो जाहिर सी बात है बीजेपी आंदोलन के लिए बहुत ही उग्रशीर है, लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी बात करें तो कांग्रेस के ही अपने संगठन में एकता दिखाई नहीं दे रही। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि कांग्रेस के कल एक संगठन की बैठक हुई थी, वहां पे जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आपसी कला उसमें देखने को आई, जहाँ पे गुलाब राज जो है, जो पूर्व में भी मतलब विधायक के लिए चुनाव में लड़े थे और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से चुनाव हार गए थे 2018 का, तो गुलाब राज ने भी कांग्रेस के संगठन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया और कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष जो, चूंकि ये मरवाही विधानसभा सीट जो है गोरिल्ला पेंडा मरवाही जिले में जो मरवाही विधानसभा सीट जो पड़ती है, ये आदिवासी अंचल एरिया है और यहाँ पे आदिवासी ही सीट है, तो ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं को ये कहना कि ट्राइबल एरिया की सीट है तो यहाँ का जो कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है वो ट्राइबल ही होना चाहिए। वहीं पे डॉक्टर के ध्रुव को भी विधायक जो है मरवाही से कांग्रेस के, उनके ऊपर भी कांग्रेसियों ने ही आरोप लगाया कि एक किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आप किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम अपने हाईकमान को नहीं दे सकते जिला अध्यक्ष के लिए, ऐसी कई सारी तीखी प्रतिक्रिया हम और लोगों से इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। जो अंतर कला है, जो कांग्रेस की अंतर कला है, वो खुलकर कल सामने आई है। मैं जानना चाहूंगी कि बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो लगातार हड़ताल जारी है, शासकीय कर्मचारियों की जो ये हड़ताल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं शासकीय जो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। कई लोग जिन्हें प्रमाण पत्र बनाने होते हैं, जाति प्रमाण पत्र की बात करें या किसी और दस्तावेज की बात करें, जब वो कार्यालय जाते हैं तो उनके जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे शासकीय कार्यालय हैं जो बंद है, जिसकी वजह से रोजाना की जो जिंदगी है वो परेशान हो रही है लोगों की। जी बिल्कुल, 5 दिन की जो शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल थी, 5 दिन की हड़ताल में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जितने भी शासकीय कार्यालय थे, लोग दूर दूर से गांव से लोग आते हैं, कोई ऑटो से आता है, कोई ट्रेन से आता है, अपने अपने साधन से लोग आते हैं अपने काम को कराने, क्योंकि गांव तक ये बात पूरी तरीके से मैसेज फैला हुआ नहीं था कि शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल है, तो वो यहां आकर उनका समय व्यस्त हुआ और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ हड़ताल कर्मियों की, हड़ताल कर्मी 5 दिन से लगातार हड़ताल पे थे और 29 तारीख को उन्होंने अपना हड़ताल समाप्त किया और सभी सोमवार के दिन से अपने अपने काम में लौटेंगे। जी बिल्कुल तनवीर, अगर बात करें यहाँ पर तो जो मुद्दा है ये भी काफी बड़ा है कि अस्पतालों में अव्यवस्था देखी जा रही है, कहीं पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, कहीं पर एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, कहीं पर डॉक्टर समय पर नहीं आते, ऐसे में जो मरीज हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, कहीं पर खाना जो है वो गुणवत्ता विहीन दिया जा रहा है, ऐसे में जो सरकार है, प्रशासन है, वो क्या ठोस कदम उठा रहा है, क्योंकि इस ये जो गतिविधियां अस्पताल में संचालित हो रही है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस प्रकार से बरसात का मौसम है, बरसात कहा जाता है कि बीमारियों का घर होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा बीमारी होती है और सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइज की और मेडिसिन की। तो अगर वहीं पे अगर मैं जिला अस्पताल की बात करूं, जिला अस्पताल तो कहने को जिला अस्पताल है, क्योंकि पूर्व बिल्डिंग निर्माण मातृ शिशु भवन में जिला अस्पताल का संचार हो रहा है, अभी जिला अस्पताल का बिल्डिंग नहीं बना है, उसी में संचालन किया जा रहा है। अगर जिला अस्पताल में आए दिन जो लाइट गोल हो जाना, जिससे मरीजों को परेशानी होती है, अगर मैं वहां की साफ सफाई की बात करूं तो जिला अस्पताल में वो साफ सफाई देखने को नहीं मिलती जो जिला स्तरीय की अस्पताल में साफ सफाई होनी चाहिए। अगर मैं मेडिसिन विभाग की बात करूं तो मेडिसिन विभाग में भी काफी लापरवाही देखने को मिलती है, कई दवाएं डॉक्टर तो पर्चियों में लिख देते हैं लेकिन मेडिसिन विभाग के द्वारा मरीजों को वो सारी दवाई अवेलेबल नहीं हो जाती, 2-3-4 दवाई देती है, बाकी बोलते हैं कि मार्केट से, ऐसी काफी सारी परेशानी आती है। अगर मैं डॉक्टरों की ड्यूटी की तैनाती की बात करूं तो ज्यादातर कई ऐसे केस में पाया गया है कि अगर रात को कोई पेशेंट इमरजेंसी में हॉस्पिटल जिला हॉस्पिटल पहुंचा है तो वहां पे डॉक्टरों की ड्यूटी तो रजिस्टर में है, रजिस्टर में मेंटेन है, लेकिन ऑन द स्पॉट डॉक्टर हॉस्पिटल में नजर नहीं आते। जब हॉस्पिटलों के स्टाफ के द्वारा ये
डॉक्टर को फोन या मैसेज किया जाता है कि एक केस आया है, तो फिर डॉक्टर इस केस को आकर अटेंड करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पे नाइट पे ड्यूटी में बहुत कम नजर आते हैं डॉक्टर। अब हॉस्पिटल की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि हॉस्पिटल का किस प्रकार का रवैया है, किस प्रकार का नजारा है अपने हॉस्पिटल में। जी हमारे साथ ये मौजूद है एक और बीजेपी के कार्यकर्ता, जी बताएं। हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ही दयनीय, क्योंकि वो पूर्व में वो ये मातृ शिशु का अस्पताल के नाम से वो अस्पताल था, उसी में मर्ज कर दिया गया है। लगातार उन लोगों को परेशानी भी क्रिएट हो रही है, वहाँ की महिलाओं को भी और शिशु को भी, क्योंकि उनको बेड मात्र 10 दिया गया है और बाकी लोगों को खाली रिफर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अस्पताल हमारा जो है वो रिफरिंग सेंटर है, बाकी कुछ नहीं है। आपने हमारा जिला अस्पताल है वो रिफर सेंटर के नाम से बन चुका है, लेकिन रिफर सेंटर के लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ दौरे ये सेंटर की बात कि अब मुझे ये रिफर के केस सुनाई नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में रिफर के केस। और यहाँ पर हमने सुना कि किस तरह से गौरेला में स्थिति नजर आ रही है, और अब सीधा रुख करेंगे हम भोपाल की ओर, जहाँ पर हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे आज भोपाल में क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ खास गतिविधियां होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। जी अर्शि, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं कई अहम अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। देखिए बैठक इसलिए भी कही जा सकती है कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो आज उनके साथ मौजूद रहेंगे और जो तमाम जो चीजें हैं वो आज रहेंगे। देखिए सबसे पहले आज घर 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 तिरंगा को लेकर के बैठक रखी गई और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर किस प्रकार से काम है, तमाम उन लोगों से अभी चर्चा करेंगे जो इस बैठक को कहीं ना कहीं आगे प्रमोट करेंगे। साथ साथ दूसरी बड़ी चीज जो आज जो देखने में आएगी, जैसे बीएमसी के 6 राज्यों के कन्वेंशन सेंटर हैं सभी जगहों पर, और वहीं पर सरकारी उपकरणों को निजीकरण के विरोध जो है वो आज राजधानी भोपाल में देखा जाएगा। साथ साथ बीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पर जन जागरण अभियान चलाएंगे, इसमें बीएचईएल से लेकर के जो 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 मजदूर हैं बीएचईएल क्षेत्र के वो आज प्रदर्शन करने वाले। साथ साथ अगर बात की जाए तो आज जिस प्रकार से राजधानी में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, अब मौसम विभाग ने जो जानकारी साझा की है कि 3 अगस्त के बाद भोपाल हो इंदौर हो बड़ी ये कहा जा सकता है भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दी है। प्रदीप, अगर बात करें हर घर तिरंगा अभियान की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर समीक्षा की है, जिसमें सभी क्षेत्रों से कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री के साथ जुड़े। उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए और किस तरह से तैयारियां की जा रही है हर घर तिरंगा अभियान की? देखिए बिल्कुल ये जरूर कहा जा सकता है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, देश जहां 75वां अमृत महोत्सव जो है वो मनाने जा रहा है, और ऐसे में जो है वह तमाम जो कलेक्टर हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और कलेक्टरों के कई कलेक्टर जो हैं वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए देश के 75वां अमृत महोत्सव है, उस अमृत महोत्सव को किस प्रकार से पहुंचाया जाए, हर घर में तिरंगा लहराया जाए, देश के प्रति जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं या देश के प्रति किस प्रकार से आगे देशभक्ति जताने का काम जो है वो प्रदेश सरकार करने जा रही है। ऐसे में 11 तारीख से लेकर के यह अभियान पूरा चालू होने वाला है। सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी दिशा निर्देश जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा दिए गए हैं। ये तमाम जो बड़ी चीजें हैं वो जरूर देखने में आएंगी। साथ साथ ये भी जरूर कहा जा सकता है कि तिरंगा को लेकर के हर घर तिरंगा फैलाने की जो बात निकल के आ रही है वो आने वाले समय में कितनी कारगर होती है ये देखना पड़ेगा। प्रदीप जी, और बात करें अगर भोपाल की तो भोपाल में सियासी उठापटक जो है वो अपने चरम पर दिखाई दे रही है, वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार भोपाल में जारी है। जी
देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, जनपद पंचायत के चुनाव हुए, उसको लेकर के तमाम गतिरोध जो हैं वो लगातार दोनों ही सियासी दलों से देखे गए थे। तमाम जो बातें थी उस चुनाव के दौरान देखी गई हैं। अब मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव होना, उसको लेकर के तैयारियां जो है वो अपने चरम पर है। साथ साथ 2023 तो क्योंकि नवंबर के बाद में ये चुनाव संपन्न होने हैं, लेकिन इसके पहले अभी जो जैसे जिला पंचायत हो, जनपद हो, उनके तो चुनाव का निर्वाचन हो चुका है। जो जिला अध्यक्ष बनने थे, जिनको जिला उपाध्यक्ष बनना था, उनका चयन हो चुका है। लेकिन नगर निगम में अभी महापौर, जहां पर महापौर चुने गए थे, वहां पर महापौर की जो सदस्य जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 4 अगस्त को होगा, जिसके बाद नए नगर निगम अध्यक्ष के जो पद रहता है, नगर निगम पद जो अध्यक्ष का पद है, उसको लेकर के अभी लगातार जो है वो सियासी संग्राम जो है वो हर जगह देखने में आएगा। साथ साथ अभी एक तरफ जहां ये कहा जा सकता है नगर निगम अध्यक्ष के पद के दावेदारी की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए भी, जहां पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है, वहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो वहां पर जाएंगे और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जो दावे हैं वो जरूर देखने में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक तमाम जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक चीज़ देखी जाए तो कांग्रेस के जो सचिव हैं सीपी मित्तल, आज वो राजधानी भोपाल में रहेंगे और पत्रकारों से चर्चा करेंगे, तमाम बैठकें करेंगे। अभी कुछ दिनों बाद जो है कांग्रेस का एक बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। उस अभियान में जिस प्रकार से काम होंगे, किस प्रकार से आगे जो जो जनता से सीधे कैसे संवाद करेंगे, उसको लेकर के तमाम बातें वो करते हुए नजर आएंगे। बात करें यहाँ पर कोविड को लेकर, तो सेकेंड डोज भी अब ज़्यादातर लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। थर्ड डोज के लिए अभियान सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब बूस्टर डोज जो है सभी को लगाई जाएगी। बूस्टर डोज की क्या स्थिति नज़र आ रही है भोपाल में, और कोविड प्रिकॉशन के लिए अमला जो है, स्वास्थ्य अमला, वो किस तरह से सतर्क नज़र आ रहा है, क्या तैयारी है भोपाल में? जी आयुषी, बिल्कुल, पहला डोज और दूसरे डोज के बाद प्रिकॉशन डोज की जो बात लगातार प्रदेश सरकार ने की थी, उसको लेकर के महाअभियान जो है वो लगातार जारी है। 75 दिनों का ये अभियान है, जिसमें सभी व्यक्ति को प्रिकॉशन डोज की जो बात है वो जरूर देखने में आएगी। देखिए, स्वास्थ्य अमला लगातार मौजूद है और स्वास्थ्य अमले की यह कोशिश है कि हर व्यक्ति को प्रिकॉशन डोज, जिनको पहला डोज और दूसरा डोज कम्प्लीट हो चुका है, उसको जो बूस्टर डोज है, जिसे प्रिकॉशन डोज के नाम से कहा जा रहा है, उसको दिया जाए। उसको लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी हैं। तभी जो तमाम जो नगर निगम के सेंटर हैं, चाहे वो वार्ड कार्यालय हों, चाहे जिला प्रशासन के द्वारा जो चिन्हित स्थान हैं, वहां पर उनको लेकर के तैयारियां जो हैं वो पूरी देखी जा रही है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि वहां पर प्रिकॉशन डोज लगातार जारी है। कई जगहों पर शिकायत जरूर आई अनियमितताओं को लेकर के, प्रिकॉशन डोज को लेकर, वहां पर भी सरकार ने सीधे तौर पर अपने हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करने के बाद जो दोषी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात की गई। सागर में हमने देखा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर थे, जहां पर वैक्सीनेशन के दौरान में एक ही सिरिंज से लगभग 30 बच्चों को जो इंजेक्शन दिया था, उसको मामले ने तूल पकड़ा था। बाद में हालांकि उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई जरूर की गई थी, लेकिन अब सरकार इस प्रकार की किसी प्रकार की जो गलती को दोहराना नहीं चाहती है। साथ साथ ये जो कोशिश है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, NHM की बात करें, या स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की करें, या प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें, वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग बनाकर रखे हुए हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको प्रिकॉशन डोज जो है वो लगा दिया जाए, ताकि जो तीसरे और चौथी लहर की जो हम बात कर रहे थे, अभी प्रदेश के अंदर मंकी पॉक्स के जो मामले हैं वो देखने में नहीं आए हैं, लेकिन मंकी पॉक्स के मामलों को कहीं ना कहीं दूर रखा जाए प्रदेश के अंदर, ये बड़ी जो चेतावनी जो ये कहा जा सकता है, बड़ा संकट जो आने वाला है मंकी पॉक्स के रूप में, सरकार उसको लेकर भी सजग है। लगातार जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके साथ चर्चाएं की जा रही हैं, और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार से नए वेरिएंट मंकी पॉक्स को लेकर के तैयार देखा जा रहा है। चलिए, पूरी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर प्रदीप चलरेजा ने हमें बताया कि भोपाल में किस तरह से स्थिति चल रही है और सियासी सरगर्मियां जो है भोपाल में किस तरह से है। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम बताएंगे आपको सभी तैयारियां जो क्षेत्रों में चल रही है, गतिविधियों की। और अब मध्य प्रदेश के बाद हम सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर
हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रवण महंत माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमें बताएंगे कि वहां पर जो है किस तरह से आज खास गतिविधियां होंगी और वहां पर आज कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिस पर सभी की नजरें होंगी। जी श्रवण, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में जो सरगुजा जिले के माइल पार्ट वन परिक्षेत्र की स्थिति है वो गंभीर है। वहां के जो लोग हैं हाथियों के उत्पात से परेशान है, आधा दर्जन से अधिक गाँव में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है और जो है वन विभाग का अमला इस हाथियों के कंट्रोल करने में असफल साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा ये है कि 35 से 40 जो परिवार हैं वो एक जगह में इकट्ठा रह रहे हैं और उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैनपाट के वन परिक्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जैसे बरपाली हो गया, बरडाड़ हो गया, तो ये जो गांव है यहाँ हाथियों का उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि सात महीने से अधिक जो समय है वहां पे ये जो हाथी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं गांव में और 40 से अधिक घर को तोड़ दिए हैं और इसका खामियाजा जो वहां के जो ग्रामीण है उनको भुगतना पड़ रहा है। और वन विभाग जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाथी को जो कंट्रोल करने के लिए हाथियों पर राइडी बीते 2-3 वर्षों में लगाया गया था लेकिन वो भी निरर्थक साबित हो रहा है और वन विभाग जो है हाथियों का लोकेशन नहीं कर पा रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि ये जो हाथी हैं वो रायगढ़ रेंज के कापू वन परिक्षेत्र में सुबह चले जाते हैं और शाम होते ही ये वापस जो है सरगुजा रेंज के मैन पार्ट वन परिक्षेत्र में ये पहुंच जाते हैं और लगातार जो है उत्पात मचाते हैं। अभी वर्तमान स्थिति वहां के लोगों की ये है कि वहां पे वन विभाग द्वारा उनको एक जगह दिया गया है आंगनबाड़ी और इस तरह से वहां पे 35 से अधिक परिवार एक साथ रहते हैं और वहां ये भी स्थिति बताया गया है कि वहां जो वहां के ग्रामीण का कहना है कि वहां जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, ना शौचालय की व्यवस्था है और ना ही और कहीं व्यवस्था है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि राशन पाने के लिए उनको भटकना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति वहाँ की है और जिस प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा है और बीते 7 महीने से लगातार जो है वहाँ के ग्रामीण जो है परेशान है। बिल्कुल श्रवण, और अब बात करें अगर मौसम की तो मौसम में बदलाव हुआ है, मौसम में जब बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं से नई बीमारियां जो है वो पनपती दिखाई देती, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है वो कितना सतर्क नजर आ रहा है ताकि बीमारियों का जो रेट है वो कम हो। बिल्कुल, यहाँ पे जो है अब देखेंगे कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुआ, हालांकि यहाँ अभी उतनी बारिश नहीं हुई है और शासन जो है अकाल घोषित भी कर दिया है सरगुजा जिले को और यही है और जिसके वजह से जो बीमारी है वो लोगों में ज्यादा फैल रही है और अस्पताल में भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ का जो मौसम जो जिस तरह से परिवर्तन हुआ है और यहाँ बारिश नहीं हुआ है तो आधा से अधिक जो रकबा है वो सरगुजा जिला का यहाँ पर खाली देखने को मिल रहा है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अभी के स्थिति में जैसे सावन खत्म होने को है और अभी जो है पूरे जो किसान हैं वो अपने फसल लगा चुके रहते हैं लेकिन अभी तक आधा से अधिक रकबा है वो खाली देखने को मिल रहा है और यही है कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने सरगुजा जिले को अकाल घोषित भी कर दिया है और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको ये निर्देश दिया गया है कि तमाम किसान हैं उनके घर जाएं और मुआवजा का आंकड़ा बताएं। तो ये भी एक बड़ा समस्या सरगुजा जिले में यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो जी चलिए, तो यहाँ पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अब चर्चा करेंगे, हम खास चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के बाद, अब सीधा रुख कर लेते हैं बालाघाट जिले की ओर जहाँ पर हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी जुड़ गए हैं, वो हमें बताएंगे कि बालाघाट में क्या कुछ हाल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टर लाइव आप देख रहे हैं, खबर भारत का ये खास कार्यक्रम है जिसमें सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और वो हमें दिन भर की गतिविधि की जानकारी देते हैं, उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होगा, वो कौन सी गतिविधियां होंगी जो आज फोकस पर होंगी। तो अब इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं जिला बालाघाट की ओर, वहां पर हमारे साथ ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं श्याम सूर्यवंशी, वो हमें बताएंगे कि बालाघाट में क्या कुछ चल रहा है और आज वो कौन सी गतिविधियां होंगी जिस पर आज बालाघाट पर नजर रहेगी, फोकस रहेगा। जी मैं अभी आपको बता दूं कि इस वर्ष में
शिक्षा का जो यहाँ पे स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए काफी प्रयास प्रशासन भी कर रहा है और हमारे द्वारा भी किया जा रहा है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होता है, यहाँ पे शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ लोगों की जीवन शैली को बदला जा सकता है शिक्षा के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा है, जो शिक्षक हैं, वो अपने कहीं ना कहीं कार्य से गंभीर नजर नहीं आते, जिसको लेकर हम आए दिन प्रशासन से बात करते हैं, मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, लेकिन उस पर भी अभी भी सुधार नजर नहीं आती है। जब हम बात अभी हम पहुंचे हैं बालाघाट जिले के ओकवा के, यहाँ पे जूनियर छात्रावास है जहाँ पे मासूम बच्चे छठवीं से लेकर आठवीं तक के बच्चे रहते हैं। इस छात्रावास में देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ऐसा जिम्मेदार कर्मचारी नहीं है। यहाँ पे चार लोगों की पोस्टिंग है, अधीक्षक हैं, लेकिन चारों जो यहाँ पे चाहे पीउन हो, खाना बनाने वाले हो या अधीक्षक हो, सब यहाँ से नदारद हैं। जब अभी बात कर रहे हैं तो अभी कोई शायद आने वाला है, जब तक अभी हम आज रविवार है तो यहाँ पे पालक लोग मिलने आते हैं बच्चों से। एक पालक हमारे साथ खड़े हैं, ये भी आदिवासी हैं, यहाँ पे अपने बच्चे को एक अच्छी बेहतर शिक्षा मिले इसलिए वो उकवा पहुंचाए हैं, सोनपुरी पहुंचाते हैं यहाँ पे, ताकि अच्छे माहौल में बच्चा रहकर अच्छी पढ़ाई कर सके। लेकिन जब यहाँ पे शिक्षक अधीक्षक ऐसा माहौल बना के रखेंगे तो बच्चे स्वयं ही अब अपनी देखभाल कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे साथ पालक खड़े हुए हैं। सर इसे लगा लीजिए, आप कान लगाइए ऐसे। हाँ पकड़ लीजिए, ऐसा ऐसा पकड़िए आप, उधर देखिए पकड़ के रखिए जी। आपका नाम बताइए, हाँ पकड़ के रख लो पकड़ के, हाँ चलिए ऐसे ही बोल दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिचय बताइए। मेरा बच्चा यहाँ कक्षा छठी में बालक छात्रा सोनपुर में एडमिशन किए हैं, तो उससे आज मिलने मैम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 जी, बात करें यहाँ पर अगर तो बच्चों को जो है किस तरह से व्यवस्था दी जा रही है, खाने पीने की अगर बात करें शिक्षण के अलावा, तो किस तरह की समस्याएं वहाँ पर बच्चों को आ रही है? हेलो हेलो जी, सुन पा रहे हैं? यहाँ पर आ रही है आवाज। तो यहाँ पर हम आपको बालाघाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर छात्रावास की तस्वीरें हमें सामने दिखाई कि वहाँ पर किस तरह से अव्यवस्थाओं का रुख दिखाई दे रहा है। वहाँ पर जो है कई तरह की अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, कहीं बच्चों को खाना समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं शिक्षण में कमी देखी जा रही है, कहीं शिक्षकों की कमी देखी जा रही है, तो इस तरह से बच्चों की जो है पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और देखा जाए अगर अभिभावक बच्चों को अपने घर से दूर भेजते हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, जिसके लिए घर से दूर छात्रावास में रहकर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं बालाघाट की, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर एक छात्रावास है, लेकिन वहाँ पर जो है व्यवस्थाओं में कमी देखी जा रही है और शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि छात्रावास में किस तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन शासन और प्रशासन इस पूरी शिकायत की गई इसको लेकर, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन जो है वो मौन हुआ बैठा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है छात्रावास की ओर। तो खबर भारत पर हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप सभी, इसमें हम बात करते हैं सभी क्षेत्रों की जहां पर आज की खास गतिविधियों की। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से भोपाल में, हमने देखा कि राजधानी भोपाल में आज किस तरह से सियासी कार्यक्रम रहेगा और कोविड की क्या स्थिति चल रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बेहतर होती है किसी गंभीर समस्या से, तो स्वास्थ्य अमला जो है वो लगातार सतर्कता बनाए हुए है ताकि मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स के जो केस हैं वो ना मिले। और कोविड की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को मध्य प्रदेश में पहला और दूसरा डोज लग चुका है
और तीसरे डोज की तैयारी अब सरकार ने जोरों शोरों के साथ कर दी है। केंद्र सरकार ने आगाज किया था प्रिकॉशन डोज का, जिसके बाद अब सभी राज्य इस ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश ने अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया था फर्स्ट डोज को लगवाने का, फर्स्ट और सेकेंड डोज का, लेकिन अब प्रिकॉशन डोज में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। कहीं ना कहीं नागरिक जो है काफी जागरूक है, क्योंकि दूसरी लहर में हमने देखा था कि किस तरह से प्रकोप बनकर उतरा था कोविड पूरे ही देश में। तो ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। वहीं बात करें मौसम की, तो जिस तरह से मौसम बदलता जा रहा है वैसे वैसे नई बीमारियां भी पनपती दिखाई देती है। डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू का सबसे ज्यादा खतरा बारिश में ही होता है, तो इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने आस पास गंदगी ना होने दे। वहीं नगर निगम की बात करें तो नगर निगम भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। सभी क्षेत्रों में साफ सफाई की जा रही है। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ गतिविधियां होने वाली है। आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। इस चर्चा पर फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।